जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम के निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से किया जाए, जिससे जनपद में उद्योग स्थापित करने के लिए एक बेहतर माहौल बन सके। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमी जनपद में उद्योग स्थापित करें, यहाँ औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं और उद्योग स्थापित करने में यदि कोई असुविधा या कठिनाई आती है तो उसे संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका निराकरण किया जा सके। डीएम ने नगर निगम को निर्देश दिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सफाई के लिए एक एरिया इंस्पेक्टर नियुक्त करें। इसके साथ ही सफाई की फीडबैक प्राप्त करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक मोहल्ला कमेटी भी बनाया जाए। जिलाधिकारी ने गीडा क्षेत्र में नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश नगर निगम को दिए। एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है, अतः निर्धारित शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। मैं लखनऊ से आया हूँ। पहले मैं UPID में था, उत्तर प्रदेश पुलिस का डिजाइन। उसके बाद मुझे यहाँ का कार्यभार संभालने के लिए मौका मिला। मैं जनपद में उद्योग के लिए बढ़ावा देने, उनके प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए संकल्प हूँ और जो भी समस्याएं इस बैठक में और समय समय पर मेरे संज्ञान में लाई जाएगी उसका त्वरित निस्तारण करते हुए अवगत कराया जाएगा। दल का जो है एक अच्छा माहौल तैयार हो जनपद में। इसमें महोदय का भी समय समय पर जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में मैं बैठक की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। उसकी अनुपालन आज्ञा जो है वो आप लोगों को प्रेषित कर दी गई है। उसमें जो भी अभी तक आपके स्तर से कोई इस तरह की जो है चीजें नहीं। सेकंड बिंदु पे आते हैं, जो गत बैठक हुई थी उसमें जो भी निर्णय लिए गए तो उसमें क्या क्या अनुपालन हुए हैं। इसमें वेरियस पॉइंट्स हैं जो है, जैसे नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई की स्थायी व्यवस्था कर दी गई है। बैठक में उपस्थित नगर निगम के प्रतिनिधि श्री पीएम गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि बीच कराई जाती है, गंदगी किए जाने के विरुद्ध 100 रुपए और 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रोविजन है। ताकि अगली बैठक में इंडस्ट्रियल एरिया की सफाई हेतु एक एरिया इंस्पेक्टर नियुक्त करे, कितने निरीक्षण हुए एवं कितने सफाई कर्मी उप क्षेत्र हेतु आवंटित है उनकी सूचना उपलब्ध कराए। मेरा अनुरोध है कि अगर कोई इस कंसर्निंग डिपार्टमेंट से हो तो कृपया इस बात को अपडेट करें कि जो कार्रवाई हो नगर निगम से तो क्या हुआ, इसमें आगे कार्रवाई क्या हुआ, इसको कोई सफाई निरीक्षक अलग लगाए हैं क्या होता है एरिया के? मान लीजिए एक गली का एक आदमी हो जाए, एक इंडस्ट्री जो भी उसी तरह की समिति हो जाए, कम से कम मान लीजिए फीडबैक जरूरी हो जाता है कौन सी तारीख में कौन कौन कर रहा है कौन सी नहीं कर रहा है।